हेलो गाइस, सो आज का इस वीडियो में एक कॉलेज के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक, है ना, जो कि सिचुएटेड है जमशेदपुर में। जी हाँ, गमरिया जमशेदपुर में सिचुएटेड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस कॉलेज के ऊपर। इस कॉलेज कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और इस कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सब कुछ आज इसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है। और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको रैंक कितना लाना होगा इस कॉलेज में, वो भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कॉलेज है गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक गमरिया जमशेदपुर, ठीक है। और ये है इस कॉलेज का वेबसाइट, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कॉलेज है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, इनका यहाँ फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ के प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे सिर्फ चार ही कोर्स है इस कॉलेज में, सिर्फ चार ही कोर्स है, जो कि है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सिर्फ ये चार ही कोर्स है इस कॉलेज में, ठीक है। और इस कॉलेज में पर जितने भी सिलेब मतलब ये है ब्रांच है, पर ब्रांच इनटेक है 60, ठीक है। सिर्फ 60 स्टूडेंट्स लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें कोई अलग से एडमिशन नहीं होता है, जो भी होता है वो JCC बोर्ड के थ्रू ही एडमिशन होगा। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम अच्छा रैंक होना चाहिए, है ना। अगर अच्छा रैंक रहा तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, तभी आपको सीट मिलेगा। झारखंड बहुत सारे कॉलेजेस है, वुमेंस कॉलेज बहुत है, वुमेंस पॉलिटेक्निक बहुत है झारखंड में। मैं जमशेदपुर के बारे में बता रहा हूँ, और भी है, रांची में है, और भी कई जगह पे है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कॉलेज यही कॉलेज है जमशेदपुर में, सबसे बेस्ट कॉलेज, ठीक है। अगर आप यहाँ से पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, है ना। अगर आपको अगर एडमिशन लेना भी हो इस साल, है ना, तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अच्छा रैंक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कॉलेज कहाँ सिचुएटेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉलेज जो है वो टाटा कांड्रा मेन रोड में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है, कॉलेज और जो रेलवे स्टेशन है टाटा नगर रेलवे स्टेशन, उसका जो डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, ठीक है। जमशेदपुर में सिचुएटेड है, बहुत ही अच्छा जगह में सिचुएटेड है वो। आपको तो पता है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे, है ना। और ये जो सिटी है जमशेदपुर सिटी, जो पूरा वेल डेवलप्ड सिटी है, आपको कोई कमी नहीं होगा, सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा। मार्केटिंग फैसिलिटी, जो भी आपको चाहिए, सब कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये जो है अमंग 17 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन झारखंड, झारखंड में 17 कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसमें से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है जमशेदपुर वुमेंस पॉलिटेक्निक, ठीक है। और इस कॉलेज में हॉस्टल का फैसिलिटी है विथ 100 beds, ठीक है। इसमें 100 beds का फैसिलिटी है, और भी बहुत कुछ है, पोस्ट ऑफिस भी है बगल में, बैंक भी है, ATM में, सब कुछ फैसिलिटी इस कॉलेज में दिया गया है, ठीक है। अगर इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो एडमिशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे एडमिशन लेने के लिए JCC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। वो अगर क्लियर कर दिए और अगर आपका रैंक अच्छा रहा, कम से कम 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर अच्छा रैंक रहा, तभी आप जाके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में ही ये सब कॉलेज फिल हो जाता है, बहुत ही जल्दी फिल हो जाता है। और ये कॉलेज सिर्फ वुमेंस लोग के लिए है ना, और तो इसलिए आपको तो पता है सीट इनटेक कितना है, 60 है सीट, है ना, पर ब्रांच, 4 ही ब्रांच है इसमें, तो बहुत ही जल्दी सीट फुल हो जाता है। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक लाने का, ताकि इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। इस कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी है वो 405 रुपीज़, ठीक है। और इस कॉलेज में अटेंडेंस पर सेमेस्टर का अटेंडेंस होना ज़रूरी है, 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी, क्योंकि ये कॉलेज जो है JUT से अफिलिएटेड है, AICT अप्रूव्ड है, MHRD से अप्रूव्ड है, SBT से अप्रूव्ड है, है ना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से अप्रूव्ड, आपको तो पता है, ये सब तो पता ही आपको, है ना। तो आपका 75% होना कंपलसरी है, ठीक है।
तो आप ले सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस भी बहुत कम है, सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। लोकेशन भी बहुत अच्छा जगह में, जमशेदपुर में कोई फैसिलिटी का कोई कमी नहीं है, सब कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छा है, अगर आपको कुछ सामान वगैरह लेना है तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये डेवलप्ड सिटी है जमशेदपुर, आपको पता है इंडस्ट्रियल हब है, सब कुछ डेवलप्ड सिटी है। अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेंगे इस बार, अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ले लीजिए, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आता है रांची वगैरह, अगर बाय चांस अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, और भी कॉलेजेस हैं झारखंड में, है ना, रांची हो गया, और भी जगह जगह कॉलेजेस हैं, ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसी कॉलेज को रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।